नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपरीत और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम तो फिलहाल तक कैंसिल हो गए हैं, लेकिन हम जो है सोचा कि आपको जो सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक जो आपको कठिन लगते हैं, उन टॉपिक के आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों, आज के मैं वीडियो लाया हूँ राष्ट्रपति की योग्यता का। तो दोस्तों, आपको पता है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। आप इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको योग्यता की पूरी जानकारी हो सके। इसके बाद जो हम जो भी आप कहेंगे कि हम कार्य और शक्तियों का भी वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहली योग्यता देखो, पहली योग्यता क्या होगी, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, लेकिन संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, मूल शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी एज दी गई है 35 ईयर्स, 35 ईयर्स की एज पूरी कर चुका हो। वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद दोस्तों, यहाँ पर देखो, सरकारी जो पद होता है उसको, यानी गवर्नमेंट जॉब को जो माना जाता है, वो माना जाता है लाभ का पद। वह पागल वह दिवालिया न हो, न तो वो पागल हो और न उसका दिवालिया निकला हो, यानी बैंक द्वारा वो दिवालिया घोषित न किया गया हो, ठीक है दोस्तों। तो ये है राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रक्रिया और बता देता हूँ इसी के अंदर, चुनाव की। चुनाव देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भारत का चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? भारत का चुनाव आयोग। ये भारत का चुनाव आयोग जो है, ये राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके साथ आपको एक बात ध्यान में और रखनी है कि इसके अंदर एमपी जितने भी होते हैं, जितने भी निर्वाचित एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, वो एमपी, और जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं वो भाग लेते हैं और साथ में भाग लेते हैं दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधायक, निर्वाचित एमएलए भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, राष्ट्रपति की योग्यता और चुनाव मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।